हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुजीता किचन में। आज हम आपके लाए हैं पालक आलू गोभी की एक नई रेसिपी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आलू और गोभी लिया है। आलू और गोभी को हमने काट कर और अच्छे से धो लिया है। अब हम आलू और गोभी को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पहले हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, यहाँ पर हमने पालक लिया है। पालक के पत्तों को अच्छे से तोड़कर धो लिया है। अब हम पालक को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर पानी को पहले से ही गरम कर लिया है। अब हम इसमें पालक डाल देंगे। सारे पालक को हम पानी में डाल देंगे। हमने सारे पालक को डाल दिया है। अब हम पालक को ढककर हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गोभी। सारे गोभी को हम तेल में डाल देंगे और अब डालेंगे कटे हुए आलू। आलू और गोभी को हाई फ्लेम पर अच्छे से 10 मिनट तक चला चला कर फ्राई कर लेंगे। पालक को 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो पालक है वो बिल्कुल अच्छे से बॉइल हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे इस तरीके से चिमटे से पकड़कर। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे पालक को एक बर्तन में निकाल लेंगे। सारे पालक को निकाल दिया है। अब हम पालक को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हमारे यहाँ पर आलू और गोभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर आलू और गोभी को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया है। पालक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम पालक का पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमने मिक्सी जार लिया है, इसमें हम सारे पालक को डाल देंगे। पालक हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 10 हरी मिर्च और अब हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारा पेस्ट बनकर तैयार है और अब हम इसी तेल में डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 3 से 4 तेज पत्ते। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। जीरा अच्छे से चटक गया है। अब डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को हम 2 मिनट तक अच्छे से चला चला कर हाई फ्लेम पर भून लेंगे। पेस्ट को हमने 2 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पर चला चला कर भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 टमाटर का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक। अब हम मसालों को मिक्स करके 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर चला चला कर भून लेंगे अच्छे से। मसालों को हमने 2 मिनट तक अच्छे से चला चला कर हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और गोभी। आलू और गोभी को मसालों के साथ 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर चला चला कर भून लेंगे। आलू और गोभी को हमने मसालों के साथ 2 मिनट तक चला चला कर हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पालक का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटोरी में जो पालक का थोड़ा सा पेस्ट लगा था, हमने इसी में पानी डाल दिया है और अब हम इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 3 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा पालक है वो बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो
तो देख सकते हैं दोस्तों, गर्मा गर्म पालक आलू गोभी की नई रेसिपी बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनकर तैयार हुई है। आप इसे पूड़ी, पराठा, रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी पालक आलू गोभी की नई रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।